आईपीएल का 15वां सीजन खत्म होने की ओर है और 74 में से 69 मुकाबले खेले जा चुके हैं। आज लीग राउंड का अंतिम मैच होना है। फाइनल मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आपको बता दें, आईपीएल के प्रदर्शन पर सेलेक्टर्स की नज़र बनी हुई है। इसका कारण ये भी है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है। पिछले साल आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे थे। लीग T20 के 15वें सीजन के मुकाबले 26 मार्च से शुरू हुए। 10 टीमों ने टूर्नामेंट खेला, 74 में से 69 मुकाबले खेल जा चुके हैं। प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो चुकी हैं। फाइनल मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर T20 वर्ल्ड कप में किन खिलाड़ियों को चुना जा सकता है। आईपीएल के पावर प्ले की बात करें तो पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट सबसे कमाल रहा। उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 127 का रहा। वहीं ईशान किशन 124 और शिखर धवन ने 123 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं। T20 में पहले 6 ओवर महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हर टीम अधिक से अधिक रन बनाना चाहती है। इस दौरान केएल राहुल का स्ट्राइक रेट सिर्फ 114 का रहा। हालांकि रोहित और राहुल के ओपनिंग जोड़ी के तौर पर चुना जाना तय है। वहीं 6 ओवर के बाद पावर प्ले में मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखना अहम होता है। आईपीएल को देखें तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 114 जबकि श्रेयस अय्यर का 126 रहा। वहीं रोहित शर्मा 132 जबकि केएल राहुल ने 138 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस दौरान स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कोहली का स्ट्राइक रेट गिरकर सिर्फ 105 का रह गया। वहीं केएल राहुल ने 117 और अय्यर ने 120 और रोहित ने 127 के स्ट्राइक रेट से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी रन बनाए। आपको बता दें, बतौर फिनिशर की बात करें तो हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट पिछले 2 सीजन में 150 से ऊपर रहा है। ऋषभ पंत भी इस रोल में फिट हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो यहां जोड़ी काफ़ी अहम हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स की जीत में आर अश्विन और युजवेंद्र चहल का योगदान अहम रहा। वहीं दिल्ली कैपिटल की ओर से अक्षर पटेल और बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। आईपीएल 2022 में कई तेज गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। उमरान मलिक लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाल रहे हैं। वहीं 6 ओवर में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर विकेट दिलाते हैं। हालांकि चहर मौजूदा सीजन में चोट के कारण नहीं खेले हैं। वहीं डेथ ओवर्स में हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और आवेश खान का प्रदर्शन अच्छा रहा। संभावित टीम आपको बता दें, इन्हें मौका मिल सकता है इस साल का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, दीपक चहर और हर्षल पटेल। जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में अपना नाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें विराट कोहली की, लगातार डक में आउट होना विराट कोहली के लिए मुसीबतें खड़ी कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली किस तरीके से बचे हुए मैचेस में वापसी कर पाते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।